नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सोहना सदर के एक गांव में नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर के खुदकुशी करने की कोशिश की। छात्रा ने कीटनाशक पीकर के आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद से लड़की के परिजनों ने अस्पताल में उसे भर्ती करवाया, लेकिन छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देने से लड़की को गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज अब भी जारी है। वहीं इस मामले की सोहना पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, और पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं सोहना से, बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने एक लड़की को, अब जिस तरीके से इस लड़की के आत्महत्या का मामला सामने आया, इसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। दरअसल इस लड़की ने कीटनाशक पी करके आत्महत्या करने की कोशिश की। लड़की के साथ छेड़छाड़ कई दिनों से की जा रही थी, छेड़छाड़ से परेशान होकर के लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। नवी की छात्रा बताई जा रही। मैं लड़की को 3 दिन पहले फोन दिया गया, और फोन ना लेने पर लड़की से ये बोला गया, यदि तू फोन नहीं लेती है तो तेरे माँ बाप को मार दिया जाएगा। लड़की ने डरते हुए फोन ले लिया, और उस फोन पे फिर उन साथी तत्वों ने ये बोला कि या तो हमसे सारे संबंध बना, नहीं तो हम तेरे से माँ बाप को जान से मार देंगे। उसके बाद लड़की ने दबाव में, जब मेरे माँ बाप जिंदा नहीं रहे तो मैं क्या करूँगी, दबाव में और अपने उसने जहर पी लिया। उन्होंने मुझे फोन देके कहा था कि मैं उनसे बात नहीं करूँगी तो वो मेरे मम्मी पापा को मार देंगे, और जन इसीलिए पी लिया क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे तो मेरा क्या जीने को पड़ेगा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संजय राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि सोहना से जो मामला सामने आया, नवी क्लास की ये लड़की बताई जा रही है जिसने की कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, कितने दिनों से छेड़छाड़ का मामला चल रहा था, इस मामले को लेकर के अभी तक क्या कुछ अपडेट आपके पास, कितनी कार्रवाई हुई है और स्थिति कैसी है लड़की की? देखिए, जहाँ स्थिति की बात है तो स्थिति अभी भी गंभीर है, और लड़की का लगातार गुड़गांवा के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। और जहाँ आरोपों की बात है तो जो छात्रा है उसने बताया है कि ये दोनों ही आरोपी जो आरोपी हैं काफी समय से इसे परेशान कर रहे थे, और लगातार इसे फोन देकर जबरदस्ती बातें करने की बात करते थे, और जब वो बात नहीं मानती तो उसके माँ बाप को जान से मारने की भी धमकी देते थे। वहीं जो परिजनों का आरोप है, उनका कहना है कि उन्होंने एक दो बार उनके परिजनों से शिकायत भी करी, लेकिन शिकायत के बावजूद भी उन ये जो आरोपी हैं वो अपने हाथों से बाज नहीं आए, उसके बाद भी लगातार छात्रा पर दबाव बनाते रहे। उसी को लेकर जो ये छात्रा है इसने आत्महत्या का प्रयास किया, और इसको लेकर जब सोहना अस्पताल लाया जाएगा तो सब से गुड़गांव रेफर कर दिया, जहां पर इसकी हालत अभी भी गंभीर बनी है। जी संजय, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि लड़की की तरफ से अभी तक कितने लोगों के नाम लिए गए हैं? देखिए, अभी तक इसमें जो मामले में जो नया अपडेट है, इसमें तो दो लड़कों का नाम आया है कि दो लड़के बताए गए हैं जो इसे काफी समय से परेशान कर रहे थे, और इसके इसमें जो पुलिस ने पोस्को एक्ट मामला दर्ज कर दिया, लेकिन अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक संजय, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।